There are two things that I still feel I need to learn and understand. Number one, जब आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, आपकी मूवी जब भी रिलीज होती है तो इंडिया में फेस्टिवल हो जाता है, उस टाइम पे क्या आपको रियली ज़रूरत है कि आप किसी और मूवी के साथ क्लैश करो? और किसी और मूवी के साथ क्लैश करके क्या होगा, आपका बिजनेस कम हो जाएगा। रिसेंटली एक न्यूज़ आ रही है कि सलार, जो प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है, बाहुबली के बाद प्रभास को उस तरीके से अभी तक कोई दिखा नहीं पाया है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। जिन्होंने KGF बनाया था वही सलार बना रहे हैं, तो सलार से उनके फैंस की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि प्रभास एक बहुत बढ़िया रोल में आएंगे। और इस मूवी को लेकर हाइप भी बहुत ज़्यादा है, मूवी बहुत बार डिले भी हो चुकी है। ऐसे में अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जो सलार के मेकर्स है उन्होंने एग्जीबिटर से बात की एंड दे आर सेइंग दैट और दे आर ट्राइंग टू रिलीज सलार अलॉन्ग विद डंकी। मतलब डंकी रिलीज़ होने वाली December 22nd को, और हो सकता है कि सलार भी तभी रिलीज़ हो जाए। देर आर टू ड्रॉबैक्स दैट आई पर्सनली फील एवरी क्रिएटर्स और एवरी फिल्म मेकर शुड कंसिडर। नंबर वन, जब भी आप किसी बिग बजट मूवी को रिलीज़ कर रहे हो एक साथ, तो उस मूवी का बिजनेस डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने इस साल 2 मूवीज़ लाई, फर्स्ट मूवी कलेक्टेड 1000 करोड़ पठान, देन सेकंड मूवी आल्सो कलेक्टेड 1000 करोड़, एंड देर आर हाई चांसेस दैट डंकी विल आल्सो कलेक्ट 1000 करोड़। ऐसे में जब डंकी का पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमा सकती है, वो पोटेंशियल रुक जाता है। एंड द मेन रीज़न इज़ अगर मूवी सलार के साथ रिलीज़ हुई तो कुछ फुटफॉल्स सलार की तरफ जाएंगे और कुछ फुटफॉल्स डंकी की तरफ जाएंगे, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। द सेकंड रीज़न दैट आई पर्सनली कंसिडर इज़ कि आप अगर कोई भी मूवी का क्लैश कराते हो तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और फैन वार्स होते। जब भी फैन वार्स हुए हमने देखा है कोई ना कोई मूवी बहुत बुरी तरह पीटी है या तो मूवी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट गिरा है। जैसे आज के डेट में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, शाहरुख खान ने इससे पहले बहुत सारे क्लैशेस किए हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू से कि सलार की मेकर्स, थिंक अबाउट इट, यू हैव ऑलरेडी डिलेड द मूवी, यू कैन डिले इट अ बिट एंड 2024 में रिलीज़ कर दो। या आई वुड रियली फील कि शाहरुख खान ने ये कंसिडर करना चाहिए, उनके ऑलरेडी 2 मूवीज़ इस साल आ चुकी है, तो 2024 में डंकी को रिलीज़ कर दें। दैट वुड बी अ बेटर थिंग टू डू दैन हैविंग दिस पीपल डूइंग अ क्लैश। आपको क्या लगता है गाइज, किसी भी मूवी का क्लैश नहीं होना चाहिए? सलार के लिए भी लोग एक्साइटेड है, और शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की जोड़ी को देखने के लिए तो लोग बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे। ना 3D बन पाए, ना मुन्ना भाई बन पाए थी, तो ऑब्वियसली वी वुड वॉन्ट टू वॉच हिम विथ राजकुमार हिरानी, सो लोगों के फुटफॉल्स उसकी तरफ भी ज़्यादा होंगे।